हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फो कॉर्नर। आज का मैंने टॉपिक लिया है लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेलोसिटीज, और इसे क्या कहते हैं और भी लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटीज। ओके, तो इसकी थियोरेटिकल पढ़ लेते हैं। क्या होती है ये? लेट एस इन एस एस टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एंड फ्रेम एस एस, फ्रेम एस के करस्पॉन्डिंग कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है। ओके, ये तो सब में ही पढ़ना है। लेट एस डेस फ्रेम में एक पार्टिकल मूव कर रहा है। ओके, पॉइंट ओ डेस पर प्रेजेंट ऑब्जर्वर को ये प्रतीत होता है कि पार्टिकल डी टी डैश टाइम में डी एक्स डैश डिस्टेंस कंप्लीट करता है। ठीक है, यहाँ देखो कि दो फ्रेम लिए हैं, एक एस एंड एक एस डेस। एस डेस फ्रेम क्या कर रहा है? वी वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। अब यहाँ पर कोई पार्टिकल रखा है, किस में रखा है? फ्रेम एस डेस में। बात करते हैं कि एस डेस फ्रेम में एक पार्टिकल रखा हुआ है, वो क्या करते हैं कि डी टी डैश टाइम में वो कितने डिस्टेंस कवर करते हैं? डी एक्स डैश डिस्टेंस कवर करता है। ओके, तथा फ्रेम एस में पार्टिकल ओ पर प्रेजेंट ऑब्जर्वर को ये प्रतीत होता है कि वही पार्टिकल डी टी टाइम में डी एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करता है। और अगर हम इस फ्रेम की बात करते हैं, एस फ्रेम में देखते हैं, तो ओ पॉइंट पे प्रेजेंट ऑब्जर्वर क्या दिखाई देता है कि ये जो पार्टिकल है वो डी टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? डी एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, नाउ अतः फ्रेम एस में पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है? यू इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी। ये तो मैं पढ़ा ही बचपन से, इक्वेशन फर्स्ट। एंड फ्रेम एस डेस में पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी? यू डैश इक्वल्स टू डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश, क्योंकि वहाँ पर डैश लगा हुआ है। ठीक है, सिर्फ डैश का डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन सेकेंड, बाय लॉरेंट इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन वी नो डैट कि एक्स इक्वल्स टू क्या होता है? एक्स डैश प्लस वी टी डैश अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ओके, लेट हमने क्या किया है कि वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को के लेट कर लिया है, या फिर हम कह सकते हैं कि वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को के पुट कर देंगे हम। ठीक है, इसको क्वेश्चन ए मान लेते हैं। तो लेट ऊपर वाले में क्या डिफरेंस आएगा? एक्स इक्वल्स टू के, क्योंकि इसकी जगह क्या आ गया? के आ गया, तो के और बचा क्या? एक्स डैश प्लस वी टी डैश बच गया। नाउ अब इससे क्या करना है? इसको डिफरेंशिएट करना है। तो डी एक्स इक्वल्स टू के डी एक्स डैश प्लस वी डी टी डैश। क्वेश्चन थर्ड, ऑल्सो वी नो डैट किसके अकॉर्डिंग? लॉरेंट इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग चार इक्वेशंस होती है ना, एक्स होती है, वाई होती है, जेड होती है और टी होती है। तो हमें क्या क्या यूज़ करना है? या एक्स यूज़ करना है और टी यूज़ करना है। तो टी इक्वल्स टू टी डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर होल अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो इसकी जगह भी हमें क्या करना है? के की वैल्यू रखना है यूजिंग ए। तो बचेगा क्या? टी इक्वल्स टू के, अंदर क्या रह गया? ये सारा। तो टी डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर यूजिंग ए। अब इसको भी क्या करना है? डिफ्रेंशिएट करना है। तो डी टी इक्वल्स टू के डी टी डैश प्लस वी डी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर। क्वेश्चन फोर्थ, नाउ सिंपल कि क्या हमें क्या निकालना है? डी एक्स अपॉन डी टी को डिवाइड कर देंगे।
टू डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड बाय इक्वेशन फोर्थ. टू डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स टू डी एक्स डैश प्लस वी डी टी डैश अपॉन डी टी डैश प्लस वी डी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर. यहाँ देखो ये वाला के और ये वाला के कैंसिल आउट हो जाएंगे जब इसको और इसको डिवाइड करेंगे ना, सॉरी इसको थर्ड डिवाइड करेंगे किससे, इससे. तो के तो दोनों में है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या हमारे पास ये सब. नाउ अब क्या करना है कि डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स टू क्या करना है, यहाँ से डी टी डैश दोनों में है ना, तो इसलिए कॉमन कर लेंगे. तो जब कॉमन करेंगे तो डी टी डैश अंदर क्या बचेगा, यहाँ देखो इसके कॉमन करेंगे तो मतलब नीचे आ जाएगा डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश प्लस यहाँ पर डी टी डैश अपॉन डी टी डैश से कैंसिल करेंगे तो यहाँ वन आ जाएगा. ठीक है, तो सिर्फ क्या बचेगा, बी बचेगा. इसी तरह हम इस वाले में से डी टी डैश कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, क्या बचेगा यहाँ पर वन प्लस वी अपॉन सी स्क्वायर डी एस डैश अपॉन डी टी डैश. ओके, अब यहाँ पर क्या दोनों में से कॉमन है तो डी टी डैश और डी टी डैश कैंसिल हो जाएगा. नाउ डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स टू क्या है, यू डैश प्लस वी अपॉन वन प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर. ये कैसे आया यू डैश और वी, क्योंकि यहाँ से यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से देखो तो हम यहाँ पे क्या है डी एक्स अपॉन डी टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं यू एंड डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं यू डैश. ओके, तो वही पुट कर दिया है यहाँ पर वैल्यूज इसकी. तो हमारे पास फाइनली क्या आ गया, यू इक्वल्स टू यू डैश प्लस वी अपॉन वन प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर. ये जो u है वही क्या है, दिस इज लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेलोसिटीज. ये जो इक्वेशन क्या बताती है, लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेलोसिटीज को बताती है. अगर हम इसका लॉरेंट इनवर्स निकालते हैं तो क्या निकलेगा, यूजिंग लॉरेंट इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन वी विल गेट u डैश इक्वल्स टू u माइनस वी अपॉन वन माइनस वी u अपॉन सी स्क्वायर. ओके, यहाँ पर देखो डैश नहीं है, कन्फ्यूजन मत होना, जब लॉरेंट इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन निकालो तो यहाँ पर डैश नहीं आएगा और जो प्लस है वो माइनस में चेंज हो जाएगा. ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर.